हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिया फार्मा। आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के बारे में, जिसमें फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड मैं आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ाने जा रही हूँ आज, जो कि है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसमें चार पार्ट्स हैं, या फिर मान लो चार चैप्टर्स हैं इसमें ही इंक्लूडेड। पहला है एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ऑर्बिटल पिक्चर, रेजोनेंस इन बेंजीन, एरोमेटिक करेक्टर्स, हकल्स रूल। सेकेंड, रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जो कि नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन और ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे विद मैकेनिज्म। थर्ड, सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी, ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन कंपाउंड टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डी, जो कि लास्ट पार्ट है, स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ डीडीटी, सेक्रिन, डीएचसी एंड क्लोरोमीन, मतलब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम एक पार्ट कंप्लीट करेंगे, विच इज फर्स्ट वन। तो फर्स्ट पार्ट के बारे में अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? C6H6। थोड़ी राइटिंग गंदी है तो मैनेज कर लेना। C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है कि जो रिंग फॉर्म में हो और जो कंटेन करता है हाइड्रोजन और कार्बन एटम को। ये देख रहे हैं आप C6H6। इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करें तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? जब कोई भी बेंजीन रिंग पे कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच होता है, फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप बेंजीन में अगर हम CH3 ऐड कर दें तो टॉलीन हो जाएगा। अगर CH2CH3 ऐड कर दें तो इथाइल बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डाइमिथाइल बेंजीन। जो डाइमिथाइल बेंजीन है इसका कॉमन नेम है ज़ाइलीन। डाइमिथाइल बेंजीन मतलब कि बेंजीन रिंग पे दो CH3 अटैच है। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल की बात करते हैं। तो अगर हम बेंजीन रिंग पे मतलब दो सब में दो दो अटैच है तभी तो वो डाइमिथाइल बेंजीन कहलाएगा। बट इनके भी डिफरेंट नेम होते हैं, जैसे कि हम इसमें ये होता है हमारा ऑर्थो मेटा पैरा, इसके सामने वाला ऑर्थो मेटा और ये पैरा। तो ऑर्थो पोजीशन पे ये तो ऑर्थोजाइलीन, क्योंकि जब दो हमारे पास दो डाइमिथाइल बेंजीन रिंग पे अटैच होते हैं तो उसे हम ज़ाइलीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्थोजाइलीन। मेटा पोजीशन पे है तो मेटाजाइलीन, पैरा पोजीशन पे है तो पैराजाइलीन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप क्या होता है कि जब हम बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन को रिमूव आउट करेंगे, मतलब बेंजीन क्या होता है C6H6 होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसमें से अगर हम एक रिमूव कर देंगे तो C6H5 रहेगा, विच इज एराइल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एराइल एल्काइल ग्रुप। एराइल एल्काइल ग्रुप मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम का रिमूव होना बट साइड चेन से। ठीक है, एराइल ग्रुप क्या था कि बेंजीन रिंग से रिमूव होना, बट इसमें क्या है साइड चेन से रिमूव होना। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, बेंजाइल है ये, इसमें से अगर हम हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो बेंजल बन जाएगा, इसमें से रिमूव कर दें तो बेंजो बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन के स्ट्रक्चर मतलब किस तरह मतलब डिराइव होते हैं। तो पहला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका? C6H6। अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो कुछ इस तरह बनेगा ऐसा, जिसमें क्या है ऑल्टरनेटिव 5 बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो
ये क्या है, हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड है. अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, मतलब स्टेबल कंपाउंड है, अ टाइप ऑफ. तो C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहला यही हो गया. सेकेंड, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल. मीन्स अगर हम बेंजीन को इनके साथ रिएक्ट कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी. बेंजीन को अगर हम Br2, CCl4, KMnO4 या फिर नॉर्मल हीट पानी डाल के, कोई रिएक्शन नहीं होगी. थर्ड, एविडेंसेस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है एविडेंसेस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, कि साइक्लिक स्ट्रक्चर का एविडेंस. पहला, सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, कि अगर हम बेंजीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ब्रोमो बेंजीन का फॉर्म होगा और HBr रिमूव आउट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, इसी में ही नेक्स्ट पार्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, अगर हम बेंजीन में 3 मोल हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटेलिस्ट इतने प्रेशर पे, तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं केकुल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. ठीक है, तो इसमें क्या है, द फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन प्रपोज बाय अगस्त केकुल इन 1872 कंसिस्टेड ऑफ अ 6-membered रिंग विद ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड एंड विद हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ईच कार्बन. मतलब जो पहला बेंजीन का स्ट्रक्चर आया था वो अगस्त केकुले ने 1872 में बताया, जिसमें उसने बताया कि जो हमारा जो डबल बॉन्ड है वो ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे है. जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑल्टरनेट ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हैं, तो मतलब स्टेबल है अ टाइप ऑफ. ठीक है, नेक्स्ट, केकुले फर्दर प्रपोज दैट द रिंग कंटेन्स 3 double bond that shift and so rapidly that two forms cannot be separated, each structure has became known as Kekul structure. देखो इसमें क्या होता है, केकुल ने दो structure बनाए थे, तो इसमें केकुले ने स्ट्रक्चर दिया था. मतलब केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में सिर्फ यही है कि केकुले ने बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था, जिसमें उसने बताया था कि वो ऑल्टरनेटिवली पाई बॉन्ड है इसमें. ठीक है, तो देखो इसमें जैसे ये है कि डबल बॉन्ड एक यहाँ है यहाँ नहीं है, यहाँ पे है यहाँ नहीं है, यहाँ पे है यहाँ नहीं है, तो ये वो ही है कि ऑल्टरनेटिवली इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल और सिंगल बॉन्ड. तो अब इसमें केकुले ने क्या बताया, केकुले ने बताया कि अगर हम इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दें, इसको अगर हम यहां शिफ्ट कर दें और इसको अगर हम यहां शिफ्ट कर दें, ठीक है, ऐसी पोजीशन बनेगी. बट आफ्टर दैट अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर दें, इसको इधर, रेजोनेंस, तो ये वापस ऐसी, तो मतलब ये पोजीशन बनेंगे, इसके अलावा कोई पोजीशन नहीं बनेगी. ठीक है, तो केकुले ने क्या कहा था कि जो ये स्ट्रक्चर है बस दो ही स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे इसमें, उसके अलावा कोई भी नहीं होगा, तो ये रेजोनेंस शो करता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजोनेंस मॉडल ऑफ बेंजीन. रेजोनेंस मॉडल ऑफ बेंजीन में क्या कहा है, द फिनोमिना इन विच टू और मोर स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर द सब्सटेंस विच इन्वॉल्व आइडेंटिकली पोजिशन ऑफ एटम इज कॉल्ड रेजोनेंस. सिंपली ये है कि जो ऑल्टरनेटिव पोजिशन पे होता है और द देखो अब रेजोनेंस में क्या बोला गया है, जैसे उसमें था पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना, ये देखो इधर हुआ ये इधर हुआ, ऐसी पोजिशन हुई फिर ये इधर हुआ, तो मतलब कि ये हाइब्रिड बन जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्म हो जाता है जब ये ऐसा होता है. इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड्स को कहीं भी घुमाओ कहीं भी घुमाओ, वो इन दो पोजीशन में ही फॉर्म होगा.
या तो ऐसे बना लो या फिर सिंगल ऐसे बना लो। इसलिए हम बेंजीन को इस टाइप का बनाते हैं क्योंकि वो रेजोनेंस करते टाइम सिर्फ ये दोनों ही स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि ये जो दो पोजीशन, ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, ये बताए गए हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो ये बताया, ये है, ये बताया गया है रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कि हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं, ये स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है ये बनाने में, बट ये बहुत इजी है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अभी हम इसमें बनाएंगे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, अब हम इसे हम सेपरेटली लिख देंगे। ठीक है, C कार्बन इन द फॉर्म ऑफ रिंग। अब 6 कार्बन लिख दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाइड्रोजन 6 इसके सामने लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एक वैलेंसी होती है, आपने वो तो सुना होगा sp2 sp3। तो अब हाइड्रोजन की एक होती है तो ये सर्कल से डिनोटेड होता है, इसे हम ऐसे करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, अब कार्बन टू कार्बन हम बॉन्ड होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ऑल्टरनेटिवली पाई बॉन्ड होते हैं, तो अब कार्बन टू कार्बन क्या होता है, sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम इसे इस शेप से डिनोट करेंगे और इसे हम ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप क्यों करेंगे, ताकि वो बताए कि हाँ इनके बीच में बॉन्डिंग है। ये थोड़ा अजीब सा बन रहा है, आप अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, ये तो हो गया कार्बन कार्बन के बीच में। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी तो बॉन्डिंग है, तभी तो वो एक प्रॉपर बेंजीन रिंग बना है। तो अब हम इसे भी ओवरलैप कर देंगे ऐसे। ओके, अब हम इसे मेंशन भी कर देंगे ताकि अच्छे अच्छे नंबर मिले। तो कार्बन कार्बन के बीच में जैसे ये है, तो इसे फिल करके मेंशन करना तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, sp2 sp2, क्योंकि दोनों कार्बन है। ओके, अब इसमें एक कार्बन एक हाइड्रोजन से क्या होगा, s और sp2। फाइन, तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखो कितना इजी था। अब हम इसमें पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं, कि पहला पॉइंट क्या होगा, कार्बन से कार्बन जो हमारा बॉन्ड है वो sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ये उल्टा लिख दिया मैंने, s और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि एक रिंग फॉर्म करेगा इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो नॉर्मल है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6, ऑल्टरनेटिवली पाई बॉन्ड है और ये बहुत सैचुरेटेड कंपाउंड है, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर देंगे एक दूसरे को। ठीक है, 6 हाइड्रोजन है, नॉर्मल सी बातें जो कि बहुत कॉमन है, वो तो आप तभी तभी बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दैट इनका बॉन्ड एंगल क्या होता है, कि एंगल के बीच में बॉन्ड क्या होता है, मतलब 120 डिग्री होती है इनका बॉन्ड एंगल, कार्बन से कार्बन के बीच में भी और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी 120 डिग्री होती है। तो कॉमन है ये भी आप एक पॉइंट ले सकते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ही इंक्लूड करके। अगर आपको ये नोट्स चाहिए आप मेरे को मेल करके बताइए, मैं आपको मेल कर दूंगी।
मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट चीज इसमें हम मेंशन करेंगे कि जो हमारा पी ऑर्बिटल है वो ओवरलैप कर देगा, मतलब पी ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो आप ये स्ट्रक्चर भी बना लेना, ये जो स्ट्रक्चर मस्ट है, स्ट्रक्चर के तो मार्क्स मिलते ही मिलते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर्स ही बनाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोमेटिसिटी विच इज हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये फॉर्मूला होता है, यही हक्कल रूल होता है जो इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, ठीक है। तो अब हम मैं बताती हूँ आपको कि ये कैसे फॉलो करता है और उसके बारे में। अब हम बात करेंगे हक्कल रूल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी क्या होता है। एरोमेटिसिटी क्या होती है कि जब भी हम कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो कि ऑल्टरनेटिवली पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड हो, जिसमें फॉर एग्जाम्पल बेंजीन जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में हो, फॉर एग्जाम्पल सेम बेंजीन, उसे एरोमेटिसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल बेंजीन बता दिया था आपको, ये देखो बहुत ही अजीब सा बना है, अच्छा सा बना है। ऑल्टरनेटिवली है, एक छोड़ के एक, ठीक है। तो ये हो गया एरोमेटिसिटी। अब हम हक्कल रूल के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके रूल्स, तीन रूल्स होते हैं। पहला कि वो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। सेकंड, पी ऑर्बिटल मस्ट हैं जो कि पैरेलल हो और एक दूसरे को ओवरलैप करते हो, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कि ये। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की कि बेंजीन हमारा हक्कल रूल फॉलो करता है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेंजीन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, रेजोनेंस भी फॉलो करता है, सब कुछ है। लास्ट रूल के बारे में अगर हम बात करें तो ये 4n प्लस 2 है, 2π। 4n इसमें क्या है, नॉर्मली नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट, ठीक है। तो 6 नंबर है, 4n प्लस 2π इसे जब ये यहाँ प्लस होता है तो यहाँ जाके माइनस में हो जाता है 4, 4n इज इक्वल टू 4, डिवाइड में जाएंगे तो 1। तो यस, ये फॉलो करता है, ठीक है। ऐसी और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, इसमें भी वही है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है या प्लेनर जिसे कह सकते हैं, ठीक है, और ये ऑल्टरनेटिवली पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। नेक्स्ट, रेजोनेंस भी फॉलो करता है, ये सेटिस्फाई है। रूल नंबर 3 की बात करें तो 4n + 2π, 8 कार्बन प्रेजेंट है तो 4n इज इक्वल टू 8 - 2 विच इज 6, 4n इज इक्वल टू n इज इक्वल 6/4 विच इज 1.5, फॉलो नहीं करता। पॉइंट में आ जाए मेटा, ये मेटा करता है तो ये फॉलो नहीं करता, बेंजीन फॉलो करता है, ये नहीं करता। दैट्स इट फर्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और कोई भी दिक्कत हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।